Hey guys, welcome to your channel Shubham Fitness. और आज का हमारा टॉपिक है, आपने टाइटल से देख ही लिया होगा कि should women, girls, females lift weights in the gym? Yes or no? तो guys, इसका एक सिंपल सा और सीधा सा जवाब है yes. फीमेल्स को जिम में वेट्स उठाने चाहिए. देखिए, जो वेट लिफ्टिंग एरिया होता है जिम में, वो खाली मेन के लिए नहीं होता, वो फीमेल्स के लिए भी बना है. और सबसे पहला मैं आपका मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं, जो बहुत फीमेल्स में जो ये वीडियो देखेंगे वो उनके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है कि यार अगर हम वेट्स उठाएंगे ना तो हमारी बॉडी मैस्कुलिन लगेगी, हमारा मसल मास बढ़ जाएगा, हम लोग बल्की लगेंगे. देखिए, जो मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है फीमेल से. तो आप ये दिमाग से इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ही भूल जाओ कि आप बल्की लगने लगेंगे वेट्स उठा के, आप मैस्कुलिन लगने लगेंगे वेट्स उठा के, ऐसा नहीं है. और वेट लिफ्टिंग से के फ़ायदे बहुत हैं. आप जिम में जाके नॉर्मली गर्ल्स या फीमेल्स जो होती हैं वो कार्डियो करते हैं, पर वेट लिफ्टिंग से जो फ़ायदे हैं उनको पता नहीं है, इसलिए या तो वेट एरिया में जाते नहीं हैं. वेट लिफ्टिंग से जब आप वेट्स उठाएंगे तो आपकी बोन हेल्थ अच्छी होगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, और ओवरऑल फिजिक और आपका ओवरऑल फैट लॉस जो होता है वो आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा आपको अच्छे से मिलेगा, रादर देन कि आप बस कार्डियो करें जिम में जाके. और कार्डियो में भी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद जिम्स में ऑब्जर्व किया ये जाके कि जो फीमेल्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनका शेड्यूल क्या होता है कि वो 10 मिनट जाके ट्रेडमिल करते हैं, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रेस्ट इंटरवल्स या फिर जो उनके कोचेज ने बोला होता है, फिर वो 10 मिनट जाके क्रॉस ट्रेनर करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर वो जाके 10 मिनट या 15 मिनट साइकिलिंग कर लेते हैं. तो उससे क्या होता है, आपने ये एक्टिविटी एक वीक फॉलो करी, ये एक्टिविटी आपने दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते फॉलो करी, ये पूरा शेड्यूल आपने विदाउट एनी वेट ट्रेनिंग आपने ये एक्टिविटी पूरे महीने फॉलो करी, तो इससे होगा क्या, आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी और जो आपका मेन एम है कि फैट लॉस वो होगा नहीं, या अगर होगा तो बहुत धीरे धीरे होगा, और धीरे धीरे अगर फैट लॉस हो तो आपका रिजल्ट भी डिले हो जाएगा. तो यू हैव टू एक्ट स्मार्ट. आप कार्डियो कर रहे हो, आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, तो आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करो, आप ट्रेडमिल पे स्प्रिंट लगाओ, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा रादर देन कि आप घंटों घंटों ट्रेडमिल पे भाग रहे हो. आपको जॉइंट की भी प्रॉब्लम हो सकती है इतने आवर्स इतनी स्पीड पे भागने में, रादर देन कि आप स्प्रिंट लगा के. और उससे स्प्रिंट से होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका ओवरऑल ब्लड का सप्लाई पूरी बॉडी में अच्छा होगा और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी अच्छी होगी. और कार्डियो के साथ साथ अगर आप कोर की एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें आप प्लैंक्स ऐड करें, आप साइड प्लैंक करें जो आपके कोर की स्ट्रेंथ बढ़ाएं, तो ओवरऑल आपकी फिजिक अचीव करने में ये सब छोटे छोटे चेंजेस अगर आप लेके आएंगे अपने शेड्यूल में, तो स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग चेंज. तो अगर आप डेली छोटा छोटा चेंज लेके आएंगे अपने अंदर, तभी एक बिग चेंज आएगा और तभी आप अपने रिजल्ट तक पहुँच पाएंगे. और रहा सवाल वेट लिफ्टिंग का, तो जो एक्सरसाइज मेल के लिए होती हैं वो सेम एक्सरसाइज फीमेल्स के लिए भी बनी होती हैं. ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती हैं जो मेल ही कर सकते हैं और फीमेल नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है. और कुछ एक्सरसाइज के तो बहुत बेनिफिशियल हैं फीमेल्स के लिए, जो स्पेशली फीमेल्स जो हमारे जो वर्किंग है, जो हाउसवाइफ्स हैं, अगर वो जिम जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. और कुछ एक्सरसाइज करने से उनको अपने डेली टास्क में भी बहुत हेल्पफुल होगा, जैसे अगर कोई फ्लोर क्लीनिंग करते हैं या डिश वॉशिंग करते हैं, तो आप सिंक के पास खड़े होते हैं तो आपकी लोअर बैक की प्रॉब्लम आपको आ जाती है, या अगर आप फ्लोर क्लीन करते हैं तो भी आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम आती है. तो आप डेडलिफ्ट अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करें, आप बैक एक्सटेंशन अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करें, तो इससे आपकी लोअर बैक की प्रॉब्लम भी एक सॉल्व हो जाएगी और आपकी लोअर बैक स्ट्रेंथन हो जाएगी अच्छे तरीके से, तो आपको कभी लोअर बैक की प्रॉब्लम आएगी नहीं. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाते ही सीधा डेडलिफ्ट भारी डेडलिफ्ट करें, नहीं, आप अपने आपके जिम में ट्रेनर्स हैं, अवेलेबल हैं, कोचेज अवेलेबल हैं, आप उनके पास जाइए, आप उनको बोलिए कि सर फर्स्ट हमको पहले फॉर्म सिखा दो डेडलिफ्ट की, आप लाइट वेट से या खाली बार से ही आप डेडलिफ्ट की फॉर्म पहले सीखें, फिर उसमें जब आपको फॉर्म अच्छी करेक्ट हो जाए आपकी, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग वेट डालें. और आप एक सेशन में आप देखेंगे कि एक सेशन में आपको फील आएगा धीरे, और नेक्स्ट सेशन में भी फील आएगा कि नहीं, बैक स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, और उसी के हिसाब से आप अपना वेट्स ऐड ऑन करें. गर्ल्स तो जिम में 100 केजीज डेडलिफ्ट मार लेती हैं,
अगर वो मार सकते हैं तो आप भी मार सकते हैं। वो कोई 100 kg की डेडलिफ्ट वो उन्होंने कोई एक दिन में नहीं मारी, फर्स्ट डे भी उन्होंने फॉर्म क्रैक की और नेक्स्ट डे से उन्होंने धीरे धीरे वेट्स बढ़ाया, तभी वो 100 kg की डेडलिफ्ट मार सकती हैं। तो वो मारते हैं तो आप भी मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। मेरा एम इस वीडियो का भी मैसेज ये देना था कि आपके जो दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि गर्ल्स और फीमेल्स वेट लिफ्टिंग एरिया में नहीं जा सकते, वेट्स नहीं उठा सकते, ये बिल्कुल ही गलत है। आपका आपकी जो कार्डियो से फैट लॉस तो होगा, कार्डियो कोई बुरी चीज़ नहीं है, कार्डियो सबको करना चाहिए, पर फीमेल्स के लिए कार्डियो से बॉडी टोनिंग नहीं होगी। बॉडी टोनिंग आपका जो आपके आर्म्स में फैट है, थाइस में जो फैट है, उसके लिए आप स्क्वाट्स करें। और जो एक फीमेल्स के जो दिमाग में एक शेप होती है कि आर ग्लास की उनको बॉडी चाहिए, तो वो तो वेट से ही होगी। आप धीरे धीरे लाइट वेट से शुरुआत करें और अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट्स बढ़ाएं, और आपको खुद ही अंदर से स्ट्रॉन्गर फील होगा और आपका जिम सेशन बहुत अच्छा जाएगा और आपकी लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आएंगे। और न्यूट्रिशन भी आप अपना पॉइंट पे रखें और जिम में ये सब जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं आप इनकॉर्पोरेट करें। और अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज आया है आपके जिमिंग मेरी बात इनकॉर्पोरेट करके अपने जिमिंग शेड्यूल में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मुझे ज़रूर अच्छा लगेगा आपके रिव्यू सुन के, आपका फीडबैक सुन के। सो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो बस इतनी थी। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कोई आपको वीडियो में, कोई और वीडियो अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए या फिर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपके, तो नीचे ज़रूर आप कमेंट्स करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। सो गाइज, टेक केयर, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी।